अभिनंदन करें। नरेंद्र जी भी बहुत युवा ऊर्जा के धनी है, लगातार अच्छे से अच्छा काम करते हैं। इसी मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद मित्रवर अनिल फिरोजिया जी करतल धनी से उनका भी अभिनंदन करें। मेरे कॉलेज के साथी और उत्तर और दक्षिण दो ध्रुव पे पृथ्वी टिकी हुई है, कमोवेश क्या योग है ऐसा। मांडव्या जी, ये नॉर्थ और साउथ के माध्यम से हमने पृथ्वी पे सारे जीवन की अवधारणाओं को लेकर चलते हैं। मैं अभी अपने भाषण में बताऊंगा, आगे थोड़ा सा अभी क्रम के साथ भाषण में कर लूं। हमारे एक और विधायक मित्र मेरे छोटे भाई सतीश मालवी जी, घटिया के बहुत अच्छे विधायक, नगर निगम के महापौर मुकेश टटवाल जी, सभापति बहन कलावती यादव जी, विधायक जितेंद्र पंड्या जी, जितेंद्र जी भी ऊर्जा के धनी हैं, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय श्याम बंसल जी, इस अवसर पर मौजूद हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष विवेक जोशी जी, महामंत्री द्वय संजय अग्रवाल जी, सत्यनारायण खोईवाल जी, मंच के सामने बैठे माननीय जगदीश जी, रूप पमनानी जी, अशोक कड़ेल जी, ओम जी, माननीय सुल्तान सिंह शेखावत जी, इकबाल सिंह जी, सारे के सारे वरिष्ठ जन, जितने नाम बोलो, डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा जी, डॉक्टर रमेश शर्मा जी, बहादुर सिंह चौहान जी, सारे मित्रों के लिए जोरदार अभिनंदन करते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। ये हमारी उज्जैन की रचना, भाई साहब आपको पृथ्वी को समझना हो तो आप उज्जैन को समझ लो तो हमारी पृथ्वी का लघु रूप ध्यान में आ जाएगा। 84 लाख योनियों का संसार, जिनके माध्यम से हमारे शरीर की कल्पना की जा सकती। हमारे यहाँ 84 महादेव है, 84 महादेव के माध्यम से हम पूरी कल्पना अपने सारे पूर्व जन्मों के आधार पर इसको समझ सकते हैं। दुनिया में 7 सागर है, हमारे यहाँ 7 सागर है। जो 7 सागर से हमने दुनिया को पृथ्वी पे जल की 70% उपस्थिति मानी है, और इसी प्रकार से कालों के काल महाकाल, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी एक बॉल है और बॉल पे दो धागे लगाए, एक ऐसा और एक ऐसा, उसका जो क्रास बिंदु बनेगा वो क्रास बिंदु सेंटर पॉइंट है। और ऐसा माना जाता है कि वो काल का केंद्र, महाकाल का केंद्र है, क्योंकि हर एक का जीवन नियत है। इस चराचर जगत में सब कुछ दृश्यमान में हर एक कोई घूम रहा है, कोई स्थिर नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूर्य सौरमंडल के साथ किसी और के चक्कर लगा रहा है, कहीं आकाश गंगा तक ये क्रम जारी रहता है। और ऐसे में हम सब जानते कि पृथ्वी की रचना भी अगर अपन समझे तो हम अपने ये जो काल का नगरी है, ये वास्तव में भविष्य का ग्रीनविच है। 300 साल पहले तक दुनिया में समय की शुद्धता की गणना कहीं से अगर होती थी तो उज्जैन से होती थी, यह उसका सेंटर पॉइंट। और हमने इस सेंटर पॉइंट को लेकर के साइंस टेक्नोलॉजी विभाग को जोड़ करके एक नई ऑब्जर्वेटरी भी बनाई, IIT और फिजिक्स के डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी को जोड़ करके उस पर रिसर्च कराने का काम भी चालू कराया। और अपनी आंखों से आप 21 जून और 22 दिसंबर को देख सकते हैं, दिन के मध्यान्ह में ठीक 12 बजे सूर्य देवता जब अपनी कक्षा बदलते हैं तो आपकी आंखों से दिखाई देगा कि सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में कैसे प्रवेश कर रहा है। जब ऐसा कहते हैं कि एक समय ऐसा आता कि जब छाया भी आपका साया भी आपका साथ छोड़ देता, वो पॉइंट अगर देखना तो वो अपने उज्जैन से हमको दिखाई देता है। ऐसे कई सारे बहुत सारे प्रकार है। और आप ये देखिएगा कि दुनिया में जब किसी का भी कोई बड़ा व्यक्तित्व तो निखर के आया है, जिसको दुनिया एक तरह से अमरता की श्रेणी में लाती या महानतम श्रेणी में खड़ा करते हैं, उसका कभी ना कभी उज्जैन से संबंध आया ही होगा। उज्जैन से संबंध आए बिना व्यक्ति का विराट व्यक्तित्व नहीं होता है। यह गौरवशाली महत्व भी उज्जैन का है। हजारों साल से, लाखों साल से प्रभु राम का 17 लाख साल का अयोध्या का घटनाक्रम हमने देखा है। प्रभु राम उज्जैन में अपने पिता के श्राद्ध करने के लिए उज्जैन आए, काकभूषुंडी के माध्यम से रामायण जी की पूरी रचना की महत्ता उज्जैन से जुड़ी हुई। और ये नहीं, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का भी उज्जैन में ही शिक्षा दीक्षा हुई, 64 कला, 14 विद्या, आचार्य सांदीपनि का आश्रम, उनकी एक ससुराल उज्जैन, राजा सूरसेन यादव की लड़की मित्रविंदा से,
ऐसे कई कई कारणों से 2500 साल पहले हमको मालूम है, जब अपना एक अलग दौर से देश गुजर रहा था, बौद्धों की एक नई ताकत का उदय हो रहा था, महात्मा बुद्ध के काल में भी उज्जैन का विशेष महत्व रहा है। 2200 साल पहले सम्राट अशोक ने यही 10 साल गुजार करके उनकी दो संतानों का यहाँ संबंध रहा है। यहीं से संगमित्रा और महेंद्र लंका में जाकर के बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार के लिए गए। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य, तीन भाइयों की जोड़ी है हम सब जानते, भगवान राम और लक्ष्मण, भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरे भाइयों की जोड़ी है हमारे उज्जैन से जिसका संबंध आता है, सम्राट विक्रमादित्य और भर्तृहरि। ये तीसरी जोड़ी उज्जैन की, ये गौरव भी उज्जैन को मिला है। और मैं आज के इस अवसर पर बहुत सारी बात कर सकता, राजा भोज के जीवन काल में जिनने एक राजा होते हुए भी कितने प्रकार की विशेषता हो सकती किसी के अंदर, जिसकी आयुर्वेद की दक्षता आज भी उनके आयुर्वेद के लिखे हुए भोज पत्रों के प्रमाण आज उनका अलग प्रकार का व्यक्तित्व लाते हैं। शस्त्र शास्त्र तमाम प्रकार की चीजों में भोज का जो विराट व्यक्तित्व था, राजा भोज की राजधानी भी उज्जैन रहा है। और मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी, प्रधानमंत्री जी का जब नाम गोवा में घोषित हुआ, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमारी विचार बैठक उज्जैन में हुई थी, उज्जैन से डिसाइड हुआ कि भविष्य का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो नरेंद्र मोदी जी का नाम जो गोवा में जाकर के डिक्लेयर हुआ, उसकी जो शुरुआत हुई है, उसका बीज मंत्र यहाँ से पढ़ा गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दुनिया ने लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है, वो जो एहसास हमारे सबके सामने है, वो कई बार कई कई प्रतियोगिताओं में कई बार परीक्षा दे करके भी ऐसा लगता है कि कुंदन तपने के बाद निखर के आता है, उसी रूप में उनका जो स्वरूप निखर के आया जब आपने कोविड की बात छेड़ी। सच मानिए मैं भी डर गया था, माननीय मोदी जी ने जीएसटी और बाकी नोटबंदी में कई बार जब अपनी बात कही तो हमको लगा कि देश को संभाल लेंगे, लेकिन एक ऐसी बीमारी जिस बीमारी का आता पता किसी को मालूम नहीं, इलाज मालूम नहीं, इतनी बड़ी आबादी और हमारे यहाँ इतने विविधता वाले भौगोलिक क्षेत्र में नदी पहाड़ पर्वत समुद्र कौन कहाँ कैसे रहता है, कहाँ उसका इलाज होगा, कहाँ व्यवस्था बनेगी, ऐसे कठिन समय में चुनौती के काल में भी मोदी जी ने बताया कि 56 इंच का सीना वाला नेतृत्व करता उनको वैसे ही नहीं मानते। जब उनने कहा कि मैं लॉकडाउन की घोषणा करता और लॉकडाउन की जिस दिन घोषणा की हमने दूसरे दिन से देखा रेल बंद बस बंद, दुनिया में कभी ऐसे ही नहीं कि पानी के जहाज भी बंद, ऊपर हवाई जहाज भी बंद, और तो आकाशवाणी पे गाने बजना बंद हो गए। ऐसा लगा कि कहां का डरावना समय आया, ये कौन सा समय आया। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी जब उनको भी आगे मार्ग मालूम नहीं था, लेकिन एक बात उनको मालूम थी, परमात्मा की कृपा से भारतवासियों पे सदैव देव कृपा सदैव सदैव रहती आई है, बाबा महाकाल की कृपा आती है। दुनिया की कई कई बड़ी बड़ी चुनौतियां भारत ने ऐसे ही सहन नहीं की है, ये बाबा महाकाल की कृपा है। वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दिया, आप जैसा सुयोग्य व्यक्ति उनके साथ था, और हमने देखा कि दुनिया में अलग रूप से निकल करके हमारा वो दौर आया जब हमने दुनिया के सामने न केवल अपने नागरिकों की जान माल की रक्षा की, बल्कि दुनिया के अंदर भी जो मानवता का सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो हम बात उदात्त बात वेद मंत्रों की गाते हैं उसको ऐसे ही नहीं दोहराते हैं, वो स्थापित करके दिखाया है। ये विराट व्यक्तित्व मोदी जी के माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति धन्य हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसी मंत्र के आधार पर जो हमारा सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो पर्व चल रहा है, ये हमारा अपना केदारनाथ बाबा का मंदिर हो, अयोध्या का राम मंदिर हो, बाबा महाकाल का महालोक हो, तो ये केवल देवस्थान नहीं है, केवल देवस्थान पे पूजा पाठ के कर्मकांड के लिए हम आमंत्रित नहीं कर रहे, हम उनकी सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, ये प्रसादम के माध्यम से आपने ये खाने पीने के जो स्वास्थ्य की मूल चीजें हैं, हाइजेनिक खाद्य के माध्यम से जो देश का पहला सेंटर का उद्घाटन किया है, मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज का ये दिन आपके इस माने मात्र से मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है। माननीय मांडविया जी, जैसे ही मैंने शपथ ली और कहा गया कि कल आपको कैबिनेट लेना होगी, और कैबिनेट लेने का जो एजेंडा था बाबा महाकाल की कृपा थी, हमारे यहाँ पता नहीं क्या क्या खुले में बिकता था, हमने कहा कहीं नहीं बिकेगा, सब दूर ताले लगेंगे, 25,000 से ज्यादा दुकानों पे बंद किया गया कि हाइजीनिक दृष्टि से, खाद्य सेफ्टी की दृष्टि से
ये जो खुले में उल्टा पुल्टा माल मिलता बिकता है ये नहीं बिकेगा, चाहे जो हो जाए। कानून व्यवस्था के अंतर्गत हमने वो सारा बंद करने का प्रयास किया और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 25 दिन के बाद पहली बार मैं भाषण में बोल रहा हूं कि हां हमने बंद किया था। हमारे एक निर्णय मात्र लिए गए और निर्णय का एग्जीक्यूशन अधिकारियों ने कराया है। निर्णय लेने का मतलब ये होता है कि निर्णय का पालन, पूरी सरकार के लिए गए निर्णय का पालन अधिकारियों को करना ही चाहिए। ऐसे कई निर्णय हमने किए। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि आज आपने एक बहुत अच्छी बात भी कही है, क्योंकि आप हेल्थ मिनिस्टर है और आपने बड़ी संभावना देखी, आपके लिए जानकारी में देना चाहूंगा। जब मंत्रिमंडल का गठन किया तो मंत्रिमंडल के गठन में हमने ये जो अलग अलग मंत्रालय थे, चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय अलग, चिकित्सा मंत्री अलग, हमने कहा इसकी जरूरत नहीं। जो पूरा आपने बताया कि पूरे देश में एक ही होता है, हमने हमारी भूल सुधार ली है। हमने सारा जवाबदारी राजेंद्र शुक्ला जी को दी है कि हम हमारे चिकित्सा मंत्री और चिकित्सा के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी ये रहेंगे। आपके नेतृत्व में जो माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हम पूरे देश के अंदर कम से कम एक लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज लाएंगे, निश्चित रूप से हम भी कोशिश करेंगे कि ना केवल एक मेडिकल कॉलेज एक लोकसभा में, हम तो ये चाहेंगे कि हमारे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर के कुछ हो नहीं सकता है। ऐसे कई कई कामों को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस अवसर पर आपने बहुत हमारे लिए, एक तरह से मैं आपका आभार मानता हूं, और उज्जैन में मेरा जवाबदारी दोहरी हो जाती है। उज्जैन का मैं विधायक भी हूं और उज्जैन से साथ साथ प्रदेश की जवाबदारी भी आपके माध्यम से मिली है। इस नाते से मैं आपका आभार भी मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के आपका लगातार समर्थन हमको मिलता रहेगा। और आज के अवसर पर लगभग 227 करोड़ के कई सारे निर्माण कार्य, लोकार्पण, भूमि पूजन का भी आज हमने इसी कार्यक्रम के माध्यम से दोनों कार्यक्रम किए। एक बार करतल ध्वनि से पूरे कार्यक्रमों का के विकास का कारवा लगातार चलता रहेगा, विकास के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ऐसी प्रकार के लगातार कार्यक्रम चलते रहे। कल ही हमने तय किया है कि इस बार की मकर संक्रांति महिला सशक्तिकरण के लिए होगी, क्योंकि माननीय मोदी जी ने कहा है कि हमारी दृष्टि में केवल चार ही जातियां हैं, उसमें महिला, किसान, युवा, गरीब। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार इन चारों सेक्टर में बराबरी से काम कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन कामों के माध्यम से निश्चित रूप से न केवल लोकतंत्र गौरवान्वित होगा, बल्कि 21वीं शताब्दी में भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे सशक्त राष्ट्र बन के उभरेगा। ये कामना करते हुए एक बार फिर आप सबका आभार मानता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ी सुंदर बात आपने कही।